जरूरत पड़े तो बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, हम पूरे परुड़ के जितने भी कार्यकर्ता है, सरकार ने हमको अगर ऑर्डर दिया तो हम एक एक कार्यकर्ता भी सीमा पे आने के लिए तैयार है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। उसके लिए सारा देश आक्रोश में है और हम सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि अब पाकिस्तान को घर में घुस कर मारना चाहिए। हमें निंदा नहीं चाहिए, हमें सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए, अब हमें सीधा ठोकना चाहिए। बदला हमारे बदला भाई के वीर जवान हमारे, वीर जवान हमारे। सबसे बड़ी बात तो यही बहुत दुखद है कि इन कार्यक्रमों में मेनबत्ती लेकर हम खड़े हो जाते हैं। हम मुस्लिम समाज की तरफ से इसका निषेध करते हैं और प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि ये सही वक्त आ गया है, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाए। हमें रिजल्ट चाहिए और वो रिजल्ट किस तरीके से होना है, टिट फॉर टैट। ये कायरता का हल्ला है और इसका जवाब हमें उतोड़ जवाब देना है। क्या इस यह दिन देखने के लिए हमने सरकार बनाई थी? संपूर्ण देशातील सर्व संघटनाने एकत्रितपणे मुठतोड जवाब या हल्ल्याचा आपल्याला करायचा आहे। सीआरपीएफ के जवानों पर उसका हम निषेध करते हैं और दूसरी बात, हम नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं कि पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए, इसका दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, वैसा वो सुधरता नहीं है। और इस हम हमले की कड़ी निंदा करते हैं। जो हमारे जवान शहीद हुए उनके लिए हमें बदला लेना है और जैसा का वैसा ही हमें उत्तर देना है। इमरान खान मुर्दाबाद, इमरान खान मुर्दाबाद, इमरान खान मुर्दाबाद। सरकार ने सबसे पहले एक अपना निर्णय लेना चाहिए। जो सरकार जो आज शांति से जो चल रही है, ये सबसे पहले सरकार ने एक कदम उठाना चाहिए कि जो पाकिस्तान हमारे रोज जवानों को शहीद कर रहे हैं, उनको उनके पाकिस्तान के ऊपर पहले हमला करना चाहिए और हिट का जवाब उनको पत्थर से देना चाहिए। युद्ध होना चाहिए, तब जब तक कि युद्ध होगा नहीं तब तक कि ये पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। और ऐसी कार्रवाई, उन सभी दहशतवादियों पर ऐसी कार्रवाई की मांग करते हैं ताकि वो ऐसे कार्रवाई जो है वो दोबारा ना कर सके। भारत माता की जय। हम सब भारतीय सेना के समर्थन में, भारतीय सेना के साथ में हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है और उन पर हमला बोले तो भारत के संपूर्ण परिवार पर हमला किया हुआ है।